अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर एक गैस खोज निकाली है जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर सांस लेते हैं। ये गैस है ऑक्सीजन। इस खोज का श्रेय जाता है मंगल ग्रह पर नासा द्वारा भेजे गए क्यूरोसिटी रोवर को। आइए जानते हैं क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर क्या देखा। नासा का क्यूरोसिटी रोवर 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह पर लैंड हुआ था। इसे 26 नवंबर 2011 को लॉन्च किया गया था। तब से ये अब तक करीब 20 किलोमीटर की यात्रा मंगल की सतह पर कर चुका है। ये अभी गेल क्रेटर में है, यहीं से शोध भी कर रहा है। क्यूरोसिटी रोवर का आकार काफी बड़ा है। ये 10 फीट लंबा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा है। क्यूरोसिटी रोवर में अपनी एक प्रयोगशाला है जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग करता है। अब तक इसने मंगल की मिट्टी के 70 से ज्यादा सैंपल जांचे हैं। इसी लैब ने गैसों का जायजा भी लिया है। क्यूरोसिटी रोवर के सैम केमिस्ट्री लैब ने गेल क्रेटर में मौजूद गैसों का अध्ययन किया। इसमें पाया कि वहाँ पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.6% नाइट्रोजन, 1.9% आर्गन, 0.16% ऑक्सीजन और 0.06% कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्यूरोसिटी रोवर ने 2012 से 2017 तक वहाँ पर गैसों का अध्ययन किया और फिर ये बताया कि मौसम के अनुसार वहाँ गैसों की मात्रा में बदलाव होता है। पृथ्वी के अनुसार मंगल ग्रह पर वसंत और गर्मी में ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है जबकि ठंडियों में ऑक्सीजन कम होती है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट और स्पेस साइंस के प्रोफेसर सुनील अत्रेय भी क्यूरोसिटी मिशन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमने अब गेल क्रेटर के ऊपर पहली बार ऑक्सीजन के बादल देखे तो हैरान रह गए। ये अद्भुत और ऐतिहासिक खोज है। प्रोफेसर सुनील अत्रेय ने बताया कि अभी नासा के वैज्ञानिक ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मंगल ग्रह के गेल क्रेटर में ऑक्सीजन की मात्रा में इतना बदलाव क्यों हो रहा है। यहाँ मीथेन और ऑक्सीजन में लगातार केमिकल रिएक्शन होता है। ये बेहद शुरुआती परिणाम है। हमें और रिसर्च करने की जरूरत है।